वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वृत्त से संबंधित सवाल जो कि दोस्तों त्रिज्या का अनुपात दे देता है और कहता है उससे क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आज मैं आपको बता दूंगा पूरा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। सवाल कर रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। थोड़ा पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, दो वृत्त है ठीक ना, एगो का मान लीजिए बड़ी आर, त्रिज्याओं का अनुपात बड़ी आर आपको दे दिया है 4 ठीक। उसके बाद इसको मान लेते हैं छोटी आर, इसका दे दिया है 3। तब कह रहा है दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने का रहा है ठीक ना, यानी कि इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल। तो लिख देंगे दोस्तों बड़ी आर बराबर हमें 4 दिया है, कोमा छोटी आर बराबर कितना दिया है 3 दिया है, यानी कि त्रिज्या दोस्तों दिया है ठीक ना। आर को त्रिज्या सूचित करते हैं, लिखेंगे दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो एगो का लिखेंगे पाई बड़ी आर स्क्वायर बटे एगो का लिखेंगे पाई आर छोटी आर स्क्वायर ठीक ना, क्योंकि दोगुन है, दोनों को हम अलग अलग बैठाए हैं ठीक। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ कि पाई का मान क्या होता है 22/7 ठीक, गुना बड़ी आर स्क्वायर, बड़ी आर कितना है 4 का स्क्वायर पूरे के बटे, क्या हो जाएगा दोस्तों कि 22/7 गुना छोटी आर स्क्वायर, छोटी आर कितना है 3 का स्क्वायर। अब देखिए 22/7 कट गया, तो दोस्तों देखिए क्या बच गया 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 4×16/3 का स्क्वायर 9, यानी कि क्या निकल गया 16:9। 16:9 जो है दोस्तों सी आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है मैं बताता हूँ ट्रिक के साथ। त्रिज्या दिया रहे दोस्तों, त्रिज्या का अनुपात ठीक है ना, त्रिज्या का अगर अनुपात दिया रहे 4:3 तो सीधा आपको आँख मून के ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है ना, आँख मून के स्क्वायर कर देना है 4×3 जब क्षेत्रफल कहे निकालने, तब अगर क्षेत्रफल कहे निकालने तो स्क्वायर कर देना है डायरेक्ट। स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि यहाँ भी देखिए स्क्वायर ही आया ठीक, तो 4×16/3 हो जाएगा। वहीं अगर दोस्तों क्षेत्रफल आपको दे दे, कहीं कहीं क्षेत्रफल भी देता है, तो क्षेत्रफल अगर दे दे 4:3 तब कहे त्रिज्या का अनुपात निकाल लें, त्रिज्या का अनुपात, कहीं कहीं उल्टा पूछता है ठीक ना। तो दोस्तों क्या करना है, 4 का भी रूट करना है 3 का भी रूट, जब क्षेत्रफल दिया रहे त्रिज्या निकालना है तो रूट करना है ठीक। तो अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या 2 निकल जाएगा अनुपात, और रूट 3 नहीं निकलेगा तो रूट 3 में छोड़ देंगे, जो निकल जाएगा तो निकाल देना है। यही इसी चीज़ को आप लोग समझिए, अगर त्रिज्या दिया रहे क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर करना है, अगर क्षेत्रफल दिया है त्रिज्या निकालना है तो रूट करना है, शॉर्ट ट्रिक ठीक ना। डायरेक्ट वहीं दोस्तों क्वेश्चन पेपर पे बगल में हल करेंगे, ऑप्शन में टिक मारेंगे ठीक, इसी प्रकार आपको बनाना है। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए।